गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ साइंस वी हैव डिस्कस्ड, डिड यू नो, इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी इन द USA हैज़ डेवलप्ड द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक इन द वर्ल्ड. द क्लॉक NIST F2 वुड नाइदर लॉस नॉर गेन 1 सेकेंड इन अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो. तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी USA में डेवलप किए गए हैं एक्यूरेट क्लॉक इन वर्ल्ड, उस क्लॉक का नाम है NIST F2. लगभग 300 मिलियन ईयर एगो से उसमें ना तो 1 सेकेंड का गेन हुआ और ना ही लॉस हुआ है. डिड यू नो व्हाट इज ग्रीनविच मीन टाइम GMT? ग्रीनविच मीन टाइम द लोकल टाइम एट ग्रीनविच लंदन, सिचुएटेड एट ए प्राइम मेरिडियन 0 degree longitude. It has been used as a basis for calculating standard time in various parts of the world since 1884. Recording time accurately. At time, it is essential to record the time very accurately. For example, in a 100-meter running race, the participant are at time are closely placed that without a highly accurate time measuring methods, it is not possible to judge the winner. तो जैसे time essential होता है record करने के लिए, ज़रूरी है accurate. जैसे 100 meter की race है, दो participant हैं जो कि बहुत closely उन्होंने उस race को जो है जीता है, अब जीतने के लिए पहुंच रहे हैं. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जज, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं बनती है जज कि कौन पहले विनर होगा. टू मेजर टाइम एक्यूरेटली एवरी कंपोनेंट ऑफ टाइम कीपिंग टू अटैच द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. तो एक्यूरेट टाइम जानने के लिए उस कंपोनेंट को जितना भी चीज़ें अटैच रहेंगी सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अटैच रहेंगी. व्हेन द रेस ऑफिशियल इज स्टार्टिंग पॉइंट पुल द ट्रिगर ऑफ द गन, इट इज स्टार्टेड टू इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग डिवाइस. द टाइम डिवाइस इज लिंक टू द लेजर प्रोजेक्टर. द प्रोजेक्टर इमिट्स द लेजर बीम फ्रॉम वन इन टू द फिनिश लाइन ऑफ द अदर, वेयर द लाइट सेंसिंग इलेक्ट्रिक रे इलेक्ट्रिक आई रिसीव द बीम. एज द रनर क्रॉस द लाइन द बीम ब्लॉक्ड एंड द इलेक्ट्रिक आई सेंड टू द सिग्नल टाइमिंग डिवाइस टू रिकॉर्ड द रनर टाइम. तो इसमें लेजर प्रोजेक्टर लगा होता है, वो प्रोजेक्टर फिनिशिंग लाइन तक लगा रहता है. जैसे ही कोई रनर उस जो है उसको क्रॉस करता है लाइन को, तो वो ब्लॉक हो जाता है और वो फिर टाइमिंग डिवाइस में रिकॉर्ड भेज देता है और रनर का टाइम पता चल जाता है. मोशन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू पोजीशन विद टाइम, it is said to be motion. When there is no change in the position of an object, it is said to be at rest. The motion of an object can be linear, circular, periodic, rotational, oscillatory or vibratory. तो motion देखिए जो भी है, when the object change its position with time, तो it is सैड टू बी द मोशन. अगर पोजिशन और टाइम दोनों एक साथ हो रहा तो फिर वो चीज़ मोशन में है, अगर कोई चेंज नहीं हो रहा उसके पोजिशन में तो रेस्ट में है. द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है लीनियर भी हो सकता है, सर्कुलर भी, पीरियाडिक, रोटेशनल, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी भी हो सकता है. स्लो और फास्ट मोशन. मोशन कैन बी फास्ट और स्लो. मोशन जो है वो फास्ट भी हो सकता है और स्लो भी हो सकता है. ए बस मे बी मूव स्लोली ऑन द रोड एंड फास्टर ऑन द डिजर्टेड रोड्स. द पैसेंजर ट्रेन मे बी 8 hours टू कवर्ड डिस्टेंस 350 kilometers एंड वाइल द एक्सप्रेस ट्रेन इट कवर्ड टू सेम डिस्टेंस इन 5 hours. जैसे पैसेंजर ट्रेन रहेगी वो 8 hours में 350 kilometers कवर्ड करती है, और अगर वहीं एक्सप्रेस ट्रेन है तो 5 hours लेती है. द डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज गिवेन टू इंटरवल ऑफ टाइम हेल्प टू डिसाइड वेदर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्लो आर फास्ट. तो
जो डिस्टेंस कवर होता है उसमें ये टाइम हेल्प टू डिसाइड होता है कि जो है स्लो है या फिर फास्ट है, उसी से उसकी स्पीड पता चलती है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम, तो इसे स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मोशन डिपेंड ऑन द टू फैक्टर, दो फैक्टर हैं, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड द टोटल टाइम टेकन ट्रेवल बाई द डिस्टेंस। वी यूज द फॉलोइंग फार्मूला कैलकुलेट द एवरेज मूविंग, एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन कवर टू कवर द डिस्टेंस। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ डिस्टेंस इज मीटर एंड सेकेंड द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, देयर फोर द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड। इफ वी मेजर द डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर देन इट इज स्पीड इज किलोमीटर पर आवर, इट कैन बी ब्रीफली रिटन एज किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेटिंग स्पीड, ए टीजीवी ट्रेन इज ए ग्रैंडी विट सी, फ्रेंच फॉर हाई स्पीड ट्रेन, इन वर्ल्ड फास्टेस्ट ट्रेन। तो जो टीजीबी है ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन है। इट वन ऑफ इट्स टेस्ट द ट्रेन ट्रेवल 95 किलोमीटर इन 10 मिनट्स, व्हाट इज इट्स स्पीड। तो 95 किलोमीटर इसने 10 मिनट में कवर कर लिया था, तो इसकी स्पीड क्या है। इन दिस वी शैल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ट्रेन पर आवर, तो हेंस वी लेट अस वी फाइंड द डिस्टेंस किलोमीटर ट्रेवल बाय द ट्रेन एंड पर आवर। इफ डिस्टेंस ट्रेवल 10 मिनट 95 किलोमीटर तो देन 60 मिनट, देन डिस्टेंस ट्रेवल टू 60 मिनट हियर 570 किलोमीटर। देयरफॉर द स्पीड ऑफ टीजीबी वाज 570 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू स्टूडेंट।